Hello everyone, I am Ramandeep. This is my lecture for knowing our number for 6th class. This is part 1. और हम यहाँ पर सीखेंगे numbers के बारे में, knowing our numbers. जैसे हमारे maths के अंदर कई numbers होते हैं. For example, अगर हम बात करें natural numbers, whole number, prime numbers, even numbers, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, natural number के बारे में. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो शुरू होते हैं वो किससे होते हैं? वन से शुरू होते हैं. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 एंड कहाँ तक जाते हैं? ये इन्फिनिटी तक जाते हैं. मतलब बहुत दूर, बहुत सारे नंबर्स रहते हैं ये. और अगर हम इसके बाद बात करें जैसे होल नंबर, होल नंबर कैसे होते हैं? होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इन्हीं नंबर्स के अंदर हम बात करेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में. आइए हम बात करते हैं फेस वैल्यू के बारे में और प्लेस वैल्यू के बारे में. फेस वैल्यू, जिस तरीके से हमारा जो फेस रहता है वो सेम ही रहता है, इसी तरीके से इस नंबर को आप ध्यान से देखेंगे. इस नंबर के अंदर अगर हम बात करना चाहते हैं फेस वैल्यू ऑफ 6, तो फेस वैल्यू जो नंबर है वही रहता है. तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 6. और अगर हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस कहाँ पे करता है? जैसे मान लो ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है. तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जिस भी डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है तो उसको नंबर को देखेंगे और उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं आपको क्या लगा देने हैं, जीरो लगा देने हैं. फॉर एग्जांपल आंसर इसका क्या रहेगा, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 7. उसके बाद कितने डिजिट है, देयर आर 2 डिजिट, तो हम 2 जीरो लगा देंगे. इस तरीके से हमने सीखा कि फेस वैल्यू निकालना और प्लेस वैल्यू निकालना. सिमिलरली मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा किस तरीके से आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं. जैसे यहाँ पे आपको पूछ लिया जाएगा कि आप 7 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट बताएं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फेस वैल्यू ऑफ 7, तो इसका आंसर रहेगा 7. और अगर मैं बात करूं प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 700. अब आपसे कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाएगा इन दोनों का सम क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, आप ये पूछा जा सकता है इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा. तो अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, 7 × 700, दिस इज 4900. इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. यस, अब हम बात करेंगे जैसे कि हमने अभी बात किया था नोइंग द नंबर के अंदर नेचुरल नंबर के बारे में. अब मैं आपको बताऊंगा अगर आपको कितना भी बड़ा नंबर मिल जाए तो आप उसके अंदर कोमा कैसे प्लेस करेंगे और उसको लिखेंगे कैसे इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और एक है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम. मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कोमा लगाना है और कितने के और उसको किस तरीके से आपको लिखना है. यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में. यहाँ पर हम वंस के अंदर देखेंगे, ये आपका वंस रहता है, ये आपका टेंस रहता है, उसके बाद आपका हंड्रेड्स होता है, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. सबसे पहले आपको ये लिख लेना है. उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नंबर आपको दिया जाएगा वो आपको यहाँ पे प्लेस करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ 3 राइट है तो आपको 1 के नीचे लिखना है, उसके बाद 9 है तो वो आपको टेंस के नीचे लिखना है, फिर 6 है तो आपको हंड्रेड्स के नीचे लिखना है, उसके बाद है आपके पास 5 है वो आपको 1000 के नीचे लिखना है, उसके बाद 0 को आपको 10,000 के नीचे लिखना है, 7 को आपको लाख के नीचे लिखना है, उसके बाद आपको 4 को 10 लाख के नीचे लिखना है, उसके बाद 4 को करोड़ के नीचे, और आपको जो ये 3 है वो आपको कहाँ लिखना है, 10 करोड़ के नीचे लिखना है. सबसे पहले हम बात करेंगे कोमा के बारे में और फिर हम बात करेंगे कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं. सबसे पहले हम कोमा जो लगाते हैं वो 3 डिजिट के पहले लगाते हैं. एक कोमा यहाँ लगेगा, उसके बाद इन दोनों के लिए लगाया जाएगा, और उसके बाद आप लाख के लिए लगाएंगे, और उसके बाद हम ये कोमा का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा. अब हम बात करेंगे कि इसको बोला कैसे जाता है. सबसे पहले जैसा कि हमने देखा कि ये किसके लिए है, करोड़ के लिए है, तो सबसे पहले इसको क्या बोला जाएगा, 34 करोड़. उसके बाद ये 47 जो है वो लाख के नीचे है तो ये हो जाएगा 47 लाख. उसके बाद 05 तो ये 1000 के नीचे है तो यहाँ लिखा जाएगा 5000, एंड दिस इज फॉर हंड्रेड्स तो ये हो जाएगा 693. तो मैं आपको एक बार पूरा बोल के दिखा देता हूं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अंदर इस नंबर को किस तरीके से बोला जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे. दिस इज 34 करोड़, 47 लाख, 5693.
इस तरीके से आप इस नंबर को इंडियन सिस्टम में लिखेंगे। अब मैं बात करूंगा इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर क्या रहता है, जैसे कि आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें भी हम वही बात करेंगे। सबसे पहले हम कोमा लगाना सीखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि आप इसको किस तरीके से बोलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको, 8 को लिखेंगे वंस के नीचे, उसके बाद इसको लिखेंगे 0, फिर 5, उसके बाद 0, फिर 3, फिर 7, फिर 3 एंड फिर 2। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे मैंने लाइन से इसको सेपरेट कर दिया है। सबसे पहले आपको कोमा कहाँ लगाना है, इसके लिए लगाना है, फिर आपको 7 के बाद लगाना है। ये कोमा का जो प्रोसेस है वो आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम बात करेंगे कि इसको बोला कैसे जाता है और इसको लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, उसके बाद है मिलियन, टेन मिलियन और 100 मिलियन। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इससे, मिलियन से। दिस इज 23,730,508। मैं एक बार दोबारा से बोल के बताऊंगा, ये जो पहले के दो डिजिट है ये आपके मिलियंस के हैं, जो आप सेवन, जो उसके बाद थ्री डिजिट्स हैं वो आपके थाउजेंड्स के हैं, और उसके बाद किसके हैं, वंस के। तो मैं दोबारा बोल के दिखा रहा हूं आपको, 23,730,508। इस तरीके से मैंने आपको आज नोइंग अवर नंबर के बारे में बताया। जो भी इस क्लास का असाइनमेंट होगा, जो भी मैंने आज करवाया है, वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। आपको क्या करना है, आपको इन दिनों में जो भी होमवर्क है वो आपको फेयर नोटबुक पे करना है, और उसकी जो पिक खींच के आपको ग्रुप पे भेज देनी है। ये सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए है, ताकि आपका जो एजुकेशन है इन दिनों में लॉस ना हो। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।